तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे क्या पूछा गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्लॉक ऑफ 200 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप अलोंग इट्स टू डिफरेंट साइड्स विद डायमेंशन 20x15 सेंटीमीटर एंड 30x15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक है जिसका हमें यहाँ पे दो साइड गिवन है, एक की डायमेंशन यहाँ पे क्या है 20x15 सेंटीमीटर है और दूसरे की साइड हमारे यहाँ पे क्या है 30x15 सेंटीमीटर है, और इस ब्लॉक की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना लग रहा है 200 न्यूटन का लग रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे टेबल के टॉप पे रखा है दो डिफरेंट डायमेंशन पे, और जो फोर्स लगेगा वो हमारे यहाँ पे दोनों में सेम ही लगेगा 200 न्यूटन का। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों डायमेंशन पे जो प्रेशर लग रहा है उसका रेशियो निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे फोर्स लगेगा दोनों में हमारे यहाँ पे क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, तो उसको हम यहाँ पे एफ से ही डिनोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ प्रेशर की। तो पहले वाले ब्लॉक के प्रेशर के लिए मैं यहाँ पे इसको P1 से डिनोट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया भी हम यहाँ पे A1 से डिनोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड वाले ब्लॉक पे कितना प्रेशर लगेगा, इसको मैं यहाँ पे P2 से डिनोट करूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे ए ब्लॉक मान लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं बी ब्लॉक। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन A2। A2 मतलब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड वाले ब्लॉक का एरिया हो जाएगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या है A1 है एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, पहले वाले ब्लॉक का एरिया, और ये वाला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड वाले ब्लॉक का एरिया। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। P1 अपॉन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। P1 हमारे यहाँ पे क्या, फोर्स अपॉन A1। P2 हमारे यहाँ पे क्या, फोर्स अपॉन A2। तो जो हमारे यहाँ पे फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी एंड बीच वाली बीच में ही रहेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1 हो जाएगा। और A2 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 30x15 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, और A1 हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर। तो 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे यहाँ पे कितना है 30x20, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5। तो जो हमारे यहाँ पे रेशियो निकल के आया P1 एंड P2 का, वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 1.5:1। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारे यहाँ पे P1 P2 है वो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया 1.5:1, या हम कह सकते हैं 3:2। तो ये हमने यहाँ पे दोनों ब्लॉक पे जो प्रेशर लग रहा था उसका रेशियो निकाल लिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।